ऐसा कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम आज नहीं तो कल बन जाते हैं। जैसे विचारों के बीज हम अपने दिमाग में बोते हैं वही विचार एक दिन वृक्ष बन जाते हैं, वही विचार एक दिन पेड़ बन जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सक्सेसफुल हैं और जो लोग थोड़े कम सक्सेसफुल हैं, इन दोनों की सोच में, इन दोनों के माइंडसेट में क्या फर्क होता है। तो चलिए जानते हैं सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल या फिर थोड़े कम सक्सेसफुल लोगों की सोच के बारे में। चैलेंजेस। सक्सेसफुल लोग चैलेंजेस का सामना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं। वो हर चुनौती के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यही चैलेंजेस उन्हें लाइफ में ग्रो करेंगे, लाइफ में आगे लेकर जाएंगे। अनसक्सेसफुल लोग या फिर कम सक्सेसफुल लोग चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं, चुनौतियों को अवॉइड करते हैं, वो अपने कंफर्ट जोन में बने रहते हैं। क्रिटिसिज्म। सक्सेसफुल लोगों को जब क्रिटिसाइज किया जाता है, जब उन्हें उनकी गलतियां बताई जाती हैं या फिर उन्हें जब भी कोई भी फीडबैक मिलता है तो वो उसके ऊपर विचार करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और अगर उससे कुछ सीखने को मिले तो उससे सीखते हैं। अनसक्सेसफुल लोग या फिर कम सक्सेसफुल लोग जब उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, जब उन्हें उनकी गलती बताई जाती है तो ज्यादातर वो उसे अवॉइड करते हैं या फिर वो उसे अपने ईगो पे लेते हैं कि ये कौन होता है मुझे बताने वाला। गिव अप। सक्सेसफुल सोच रखने वाले लोग हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं डिफिकल्ट सिचुएशंस में सर्वाइव करने की, मतलब कि वो कभी भी गिव अप नहीं करते। कम सक्सेसफुल लोग या फिर अनसक्सेसफुल लोग अगर परेशानी आए, अगर थोड़े भी रिजल्ट ना आए तो वो लोग काफी ज्यादा चांसेस है कि आसानी से गिव अप कर सकते हैं। लर्निंग। सक्सेसफुल लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा अपने ज्ञान को, अपने दिमाग को विकसित करने में लगे रहते हैं, चाहे वो ज्ञान उनकी फील्ड का हो चाहे ना हो, लेकिन वो हर चीज का ज्ञान पाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अनसक्सेसफुल लोग या फिर कम सक्सेसफुल लोग कुछ नया सीखने में, अपने ज्ञान को बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, उन्हें लगता है कि जो उन्हें पता है, जितना उन्हें ज्ञान अभी है वो बहुत है। माइंडसेट। सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट हमेशा ग्रोथ की तरफ होता है, हमेशा कोई भी चीज को पहले से बेहतर करने की तरफ होता है और ये प्रोसेस हमेशा बिना रुके चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। कम सक्सेसफुल लोग या फिर अनसक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट हमेशा फिक्स रहता है, उनके हिसाब से जैसा चल रहा है वैसा सही है, वो हमेशा अपनी सोच के आसपास ही रहते हैं, वो कुछ बड़ा सोचने में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। तो ये कुछ बेसिक फर्क होता है उन लोगों में जो जीवन में सक्सेसफुल बनते हैं और जो लोग जीवन में ज्यादा सक्सेस को अचीव नहीं करते। वैसे हमने एक वीडियो बनाया कि आप किसी से भी कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी बहस कैसे जीत सकते हैं, वो भी अपने माइंडसेट को बिना डिस्टर्ब किए, तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप क्लिक कर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।